तो हमारी इन मुर्गियों में से एक मुर्गी पिछले 15 दिन से अंडे पर बैठी थी। तो इनका जनरली 21 दिन का होता है, 21 दिन बाद बच्चे निकलते हैं। तो देखते हैं अभी इनको कैंडलिंग करके अंडे की क्या व्यवस्था है, बच्चे बन रहे हैं नहीं बन रहे, कितने में क्या बन रहा है, चेक करते हैं। आइए, तो अभी मुर्गी बाहर है, तो हम सब अंडे की कैंडलिंग करके चेक कर लेते हैं। कैंडलिंग के लिए मोबाइल की टॉर्च लगा के देखते हैं ऐसे अंडे पे, अगर ऐसे रेड रेड नज़र आता है और तो साइड लग जाता है कहाँ भी इसमें बच्चा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो ये इसमें बिल्कुल क्लियर है, कुछ दस में नॉर्मल, इसमें कुछ नहीं बन रहा है। इसमें देखो रेड रेड आ रहा है ना राइटिंग, तो इसमें बन रहा है, इसमें इसमें भी नहीं है बिल्कुल, एकदम रोशनी एकदम आर पार हो रही है। इसमें देखो स्टार्टिंग हुई है एकदम, ये ब्लॉक टाइप दिख रहा है रेड, इसमें भी शायद कुछ नहीं है। इसमें है, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें है, रेड रेड नज़र आ रहा है। तो ये अंडे को ऐसे कैंडलिंग करके देख सकते हैं कि अभी किसमें बच्चा बन रहा है, किसमें नहीं बन रहा है। तो करीब 15 दिन हो चुके हैं, इसमें भी बन रहा है, क्लियर दिख रहा है, इसमें रेड लाइनिंग आ रही है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्या क्लियर नज़र आ रहा है। देखो तो अभी हमने पूरा सब रोशनी अंडों की पार नहीं हो कैंडलिंग रही वगैरह है, कर ये सब ली अंडे है। ने कैट। कुछ अंडे तो हमको लग रहे हैं कि इसमें बच्चे बन रहे हैं और कुछ अंडे से लग रहे हैं जो खराब है, तो वेट करते हैं 1 हफ्ता पर, फिर देखते हैं किसमें से कितने बच्चे। तो ये मुर्गी को बाहर निकाला था, तो जितने हमने अंडे की कैंडलिंग कर लिया, अभी वापस अंदर आ गई है, तो ये पानी पी के सीधे अपने अंडे के पास जाके बैठ जाएगी।